ये बताइए कि आपके ख्याल में, आपकी नजर में बेपर्दा कोई चीज होती है या ये सिर्फ एक लफ्ज है? नहीं नहीं, मेरे ख्याल में सिर्फ एक लफ्ज है, क्योंकि इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में बनाया जाता है कि बेपर्दा यानी के बुरी, यानी कि ऐसी खातून। नहीं नहीं, मैं बुरी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बेपर्दा कह रहा हूँ। बेपर्दा बहुत ही नेक, शरीफ, खानदानी, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें, बेपर्दा कोई चीज एग्जिस्ट करती है माशरे में, या होनी चाहिए या हो सकती है? मुझे लगता है हो सकती है, लेकिन उसका एक्सक्लूसिव जो जोड़ है वो खातून के साथ नहीं होना चाहिए। मर्द भी हो सकता है, मैं तो सिर्फ लफ्ज की इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बेपर्दा मर्द भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। अगर कोई बेपर्दा है तो आपके ख्याल में उसका जो इम्पैक्ट है माशरे पे, या देखने वालों पे, या साथ रहने वालों पे, उस पर होगा या नहीं होगा? अगेन वही बात आ जाती है जी, इस तरह तो फिर हर चीज का इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। दिन में कोई हजारों लाखों किस्म की चीजों का इम्पैक्ट होता है, खास तौर पे जब हम एक दफा एडल्ट हो जाते हैं, तब हमें खुद चूज करना है कि हम किस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। इस तरह तो मैं दिन में एक दिन बैठी हूँ, मेरी आपसे भी बात होती है, मेरी और लोगों से भी बात होती है, मुख्तलिफ ख्यालात के लोगों से बात होती है, मुख्तलिफ लिबास के लोगों से बात होती है। इम्पैक्ट एक सर्टन हद तक होता है, लेकिन लोगों की अपनी भी एजेंसी होती है, हमें लोगों से एजेंसी नहीं छीननी। हर तरह की चीजें होनी चाहिए और फिर हमें इंसान पे छोड़ देना चाहिए, एज लॉन्ग एज वो किसी को हार्म नहीं कर रहा, हर्ट नहीं कर रहा।